हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं और उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। वैसे ये वीडियो है अपडेट क्वेरी को लेकर के, वो भी एसक्यूएल में। तो सबसे पहले वो जानकारी दे देता हूँ, कल संडे है और कल सुबह 8 बजे से हमारी लाइव क्लास होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से जुड़ी। तो बेसिक से लेकर सारी चीजें हम देखेंगे वहां, अपडेट क्वेरी, ठीक है, इसके अलावा अपेंड क्वेरी, इसके अलावा क्वेरी, क्वेरी डिजाइन, क्वेरी विजार्ड, कैसे क्वेरी बनाई जाए, कैसे रिपोर्ट डिजाइन किया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेरी आप रिपोर्ट कैसे लेके आ सकते हैं, ये सारी चीजें कल होंगी, कल लाइव क्लास में बताई जाएंगी। तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, सुबह 8 बजे से क्लास होगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। तो यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ओपन कर लेता हूं, ये 2019 हमारे पास है, आपके पास जो भी हो आप उसे यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करता हूं। चूंकि हमें एसक्यूएल क्वेरी बनानी है तो यहां पर इस टेबल की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और हम यहां क्रिएट पे जाएंगे और डायरेक्टली कहां जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और ये टेबल को ऑफ कर देंगे। जैसे ही ऑफ करेंगे तो यहां पर एसक्यूएल नजर आएगा। अब यहां पर हमें बनानी है एसक्यूएल क्वेरी। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, टेबल बनाने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब चूंकि ये टेबल होगी एम्प्लॉय की टेबल, तो यहां पर मैं एम्प्लॉय टी कर देता हूं, एम्प्लॉय टी, ठीक है, टी यानी टेबल। तो ये हो गया। अब यहां ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहां पर कौन कौन सी चीजें आएंगी, एम्प्लॉय की आईडी आएगी, ठीक है। तो ये लिखा मैंने एम्प्लॉय और यहां अंडरस्कोर लगा के लिखा आईडी। अब ये एम्प्लॉय आईडी कौन सा डेटा टाइप होगा, तो यहाँ इंटीजर डेटा टाइप हम रख लेते हैं, कॉमा देते हैं, ठीक है। नेम ऑफ एम्प्लॉय यहां पर देंगे, नेम अंडरस्कोर यहां पे दे देते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये लिख दिया नेम ऑफ एम्प्लॉय। अब ये कौन सा डेटा टाइप होगा, आप टेक्स्ट रख सकते हैं, वेयर कैर भी रख सकते हैं, तो ये टेक्स्ट रख दिया हमने। एंटर करके नीचे आएंगे, अब यहां पर इनकी सैलरी की बात होगी, तो ये लिख दिया सैलरी। सैलरी कौन सा डेटा टाइप होगा, तो यहां पर करेंसी डेटा टाइप हम रखने वाले हैं, तो यहां पर लिख दिया हमने करेंसी। करेंसी लिख करके आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना, अब कोई कॉमा नहीं देना है, बस रन पे क्लिक कर दीजिए, ये टेबल तैयार हो गई आपकी। देख सकते हैं यहां पर एम्प्लॉय आईडी आई हुई है, यहां पर एम्प्लॉय का नाम है और यहां पे एम्प्लॉय की सैलरी है। तो सपोज कीजिए एम्प्लॉय आईडी है 111, ठीक है। यहां पर आते हैं एम्प्लॉय का नाम अभिषेक कुमार, ये लिख दिया मैंने अभिषेक कुमार, ये दे दिया एम्प्लॉय का नाम। ओके, अब इनकी सैलरी की बात आएगी, तो यहां पर सैलरी कर देते हैं हम 20,000, तो ये लिख दिया 20,000, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब करेंसी लिया था तो यहां रुपीज का सिंबल अपने आप आने लगा, ठीक है, 112 कर देते हैं। ओके, यहां पे लिख देते हैं नवनीत कुमार, तो ये लिख दिया हमने दूसरे एम्प्लॉय का नाम। यहां पे सैलरी इनकी लिख देते हैं 22,000 रुपए, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे दो एम्प्लॉय का नाम हमने एंटर करा लिया, चाहे तो तीसरे एम्प्लॉय का भी नाम एंटर करा सकते हैं, कुछ ऐसे ही मैं एक और एम्प्लॉय का नाम इसमें ऐड कर देता हूं और इनकी भी सैलरी इसमें ऐड कर देता हूं। तो ये देखिए, ये तीन लोगों की सैलरी ऐड हो गई, इसको सेव करते हैं और यहां से फिलहाल हम इसको क्लोज करेंगे। तो ये क्लोज कर दिया, यही वो क्वेरी थी जिसके कारण हमारा ये टेबल बना है, तो इसको भी सेव कर लेते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हम एक ऐसी क्वेरी बनाना चाहते हैं कि इसमें किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी, जिसकी सैलरी कम हो उसकी सैलरी अपडेट हो जाए, या किसी का घटाना हो तो घटा भी सकते हैं, इट इज डिपेंड अपॉन यू। देखिए ये छूटा नहीं है बल्कि ये छोटा हो गया है कॉलम, तो ये कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्वेरी बनाएंगे, तो इस टेबल को पहले क्लोज करेंगे और सेव करके क्लोज करेंगे। यहाँ पे क्वेरी बनाएंगे, तो क्वेरी कैसे बनाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और इसको क्लोज करेंगे। एसक्यूएल में क्वेरी बनानी है, ध्यान दीजिएगा, क्वेरी हमें कैसे बनानी है, एसक्यूएल में क्वेरी बनानी है। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अपडेट, कुछ इस तरीके से लिखिएगा अपडेट। अब चूंकि टेबल का नाम क्या है हमारे, एम्प्लॉय टी, तो आपको लिखना है एम्प्लॉय टी, इस तरीके से लिख दीजिएगा एम्प्लॉय टी, टेबल का नाम आ गया। अब हमको सैलरी सेट करनी है, तो यहां पे लिखा मैंने सेट। अब देखिए जो लास्ट वाली फील्ड है उसका नाम है सैलरी, कैपिटल एस से है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कैपिटल एस ए एल ए आर वाई, सैलरी कर दिया हमने, ठीक है। सैलरी इज इक्वल टू, अच्छा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे, आपसे यह गलती नहीं होनी चाहिए, मुझसे तो गलती हो गई। कैपिटल एस ए एल ए आर वाई, सैलरी इज इक्वल टू, अब मान लीजिए किसी की सैलरी हमें 27,000 रुपए करनी है, ठीक है, 25,000 है, 22,000 है, जिसकी भी हो, तो उनकी सैलरी हमें क्या करनी है, 27,000 करनी है, ठीक है, कितनी करनी है, 27,000 करनी है, ध्यान दीजिएगा, सैलरी बढ़ा करके कितनी करनी है,
27,000 करनी है, तो ये कर दिया हमने। यहां पे लिखेंगे वेयर, क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, ठीक है। एम्प्लॉई आई डी, एम्प्लॉई अंडरस्कोर आई डी इज इक्वल टू देंगे, वहां पर एम्प्लॉई आई डी क्या हो, 111 हो, आप 112 113 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर मैंने कर दिया है 111, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं बात यहां तक समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहां पर देखिए ये भी एम्प्लॉई टी जो लिया है हमने, यहां पर भी ये गलती हुई है हमसे, तो इसको भी सही कर लेते हैं। यहां पर भी हम एम्प्लॉई सही से लिखेंगे, एम्प्लॉई टी हो गया, अब ये सही हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको रन करवा देना है। रन कहां से होगा, यहां से रन हो जाएगा। तो देखिए ये कह रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट वन रो, आप एक रो को अपडेट करने जा रहे हैं, तो बस यस कर दीजिए ना, हो गया रो अपडेट हो गया। अब चलिए देखते हैं जिनकी सैलरी कम थी, 20,000 थी, जिनकी एम्प्लॉई आईडी 111 थी, उनकी सैलरी हो गई है 27,000, ठीक है। अब इसी तरह का एक दूसरा क्वेरी बना के दिखाता हूं, ठीक है। क्रिएट पे चलते हैं और यहां से आ जाते हैं क्वेरी डिजाइन पर और इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद यहां एसक्यूएल पे आ जाते हैं और यहां पर अब फिर वही चीज हमें दोहरानी है जो अभी हमने दोहराया। यहां पे क्या लिखना है, अपडेट लिखना है, क्या लिखना है, अपडेट। तो यहां पर लिख दिए यूपी डीएटी अपडेट, किसको अपडेट करना है, एम्प्लॉई टेबल को अपडेट करना है, तो यहां पर लिख दीजिए एम्प्लॉई टी, टी यानी टेबल, ठीक है, यही नाम दिया था ना हमने। अब इसमें क्या करना है, सेट करना है, तो यहां पर लिख दीजिए सेट, एस ई टी सेट, किसको सेट करना है, सैलरी को सेट करना है, तो एस ए एल ए आर वाई सैलरी कर दिया। सैलरी इज इक्वल टू, अब इसमें कोई ऐसा आदमी है जिसकी सैलरी कितनी है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सैलरी क्या सेट करनी है, सैलरी जो सेट करनी है वो यहां पर देना है। तो मान लीजिए किसी का सैलरी 29,000 करना है, ठीक है, ये बढ़ा दिया मैंने और सैलरी कितना कर दिया 29,000, और उसकी एम्प्लॉई आईडी क्या हो, वेयर एम्प्लॉई आईडी, यहां पर देखिए लिखा मैंने एम्प्लॉई और फिर अंडरस्कोर करके आईडी लिखा, एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू क्या हो, तो उसकी एम्प्लॉई आईडी हो 113, बस यहां से रन करवा दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए कह रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट वन रो, तो बस यस कर दीजिए, ये वन रो अपडेट हो गया है, अब 29,000 सैलरी दिखेगा। देखिए 113 का जो सैलरी था कम था, अब ये 29,000 हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि अपडेट वाली बात समझ में आई होगी कि अपडेट एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू कैसे करना है, ये कैसे होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ कल जुड़ सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।